हसनैन मसूदी साहब, देखिए राजनीति होती रहेगी, तमाम राजनीतिक दल हैं, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने डीडीसी चुनाव में हिस्सा लिया है इस वजह से कि वो चाहते हैं कि विकास हो, वो चाहते हैं कि उनके घर तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंचे, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट वो हो हकीकत में। देखिए बात यह कि जो हमसे हमारा खसूसी दर्जा छीना गया, ये तो हमारी एग्जिस्टेंस की बात है, ये थोड़ी आम पॉलिटिक्स की बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो हो गया वो तो हो गया, भाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्यों नेगोशिएट हो रहा है नागास के साथ, बोडोलैंड में अप्रैल 2020 में क्यों एक नया एग्रीमेंट किया गया, उनको 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी दी गई, आप कैसी बात करते हैं जो हो गया वो हो गया। भाई हमारा नाम ही यही है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस दैट जो 4 अगस्त को था और उसके बाद जो अपने में पार्टियों के अपने भी स्टैंड्स है, तो आप कैसे कहते हैं कि नहीं होगा। हम नहीं कह रहे हैं लेकिन जो हो गया है, जो सरकार ने फैसला ले लिया है, वो फैसले के बाद हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं, हम इस चुनाव की डीडीसी चुनाव की बात कर रहे हैं। आप डीडीसी चुनाव के सहारे क्या उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो मुद्दा इस चुनाव का एजेंडा भी नहीं था, उसको उठाने से क्या वाकई आप उस मुद्दे के बारे में कुछ उसको न्याय कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर जो डीडीसी चुनाव से जुड़ी हुई वो ये कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, नतीजे सामने आ रहे हैं, नतीजों में गुपकार गठबंधन अभी तक आगे दिखाई दे रहा है, बीजेपी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी 22 सीटों पर ही आगे चल रही है और निर्दलीय बड़ी संख्या में जीतकर चुनाव आगे आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा दिन इस वजह से क्योंकि 370 खत्म होने के बाद लोगों ने चुनाव में भरपूर हिस्सा लिया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।